पाकिस्तान की पहली ऐसी गाड़ी है। गाड़ी को हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स इस वीडियो में आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं सुजुकी स्विफ्ट GLX का, जो कि न्यू शेप है, पाकिस्तान में न्यूली लॉन्च की गई थी 1 ईयर पहले। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आया जाए। पाकिस्तान की पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं इतने प्राइस में। बाकी तो 6 एयरबैग्स तो बहुत सारी क्रॉसओवर सेगमेंट में दिए जाते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी गाड़ी जो कि इस प्राइस सेगमेंट में 6 एयरबैग्स में आती है। तो कंप्लीट आपको इस वीडियो में डिटेल्स इसकी देंगे, सेफ्टी फीचर्स इसमें कौन से दिए जाते हैं, कंप्लीट डिटेल्स इसमें आपको मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, ये वाली गाड़ी फॉर सेल है। अगर आप ये वाली गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो BR ऑटोमोबाइल खाली बिन वलीद रोड पे आप यहाँ पे आके ये वाली गाड़ी बाय कर सकते हैं। गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी के इंजन की तरफ आते हैं। इस गाड़ी के अंदर हमें 1200 cc का इंजन मिलता है जो कि CVT ट्रांसमिशन में आता है। व्यूअर्स, तो इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स को सुजुकी कंपनी ने लॉन्च किया था जो कि फरवरी 2022 में किया था। एक GL मैनुअल वेरिएंट था, एक GL CVT वेरिएंट जो कि एक ऑटोमेटिक वेरिएंट, और एक GLX CVT वेरिएंट था जो कि एक ऑटो वेरिएंट है। और इस गाड़ी के एक वेरिएंट एक और आता जो कि एक लिमिटेड वेरिएंट होता, उसके रेयर पर सिर्फ स्पॉयलर इन्होंने दिया था, और जो इंटीरियर में हैंडरेस्ट वाली जगह होती वहाँ पर इन्होंने हैंडरेस्ट दे दिया था गाड़ी के। तब गाड़ी का कुछ रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाड़ी की फ्रंट शेप आप गाड़ी की देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सुजुकी कंपनी ने इसको बनाया है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड में ये बहुत पहले आ गई थी, पाकिस्तान में इसको कुछ 3 साल 4 साल बाद इसको लॉन्च किया न्यू शेप को। फ्रंट लुक गाड़ी की देखें तो LED लैम्प से यहाँ पर देख सकते जो कि ऑटो लैम्प्स होते हैं। इतने प्राइस टैग में हमें जो कि लोकल असेंबल गाड़ियाँ वो इतने फीचर्स नहीं देती जो कि ये इन्होंने दिए। यहाँ पे DRLs आप देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर के हेलोजन इंडिकेटर LED लैम्प से। यहाँ पे थोड़ी बहुत इंटीरियर में क्रोम की गार्निश आ रही है। अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे आपको फोग लैम्प्स मिलेंगे गाड़ी के। फ्रंट ग्रिल ब्लैक में मिलेगी, सुजुकी लोगों के नीचे आपको मिल जाएगी, बहुत खूबसूरत सी क्रोम की फिनिश मिलती है। बाकी ये जो गाड़ी के कलर है वो ग्रे कलर है। गाड़ी की अब हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ आए तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त, ये एक हैचबैक लुक गाड़ी दे रही है। साइड मिरर्स आप देख सकते हैं जो कि बॉडी कलर में ही आते हैं। अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं तो गाड़ी में जो हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं 16 इंच अलॉय व्हील्स है जो कि ब्लैक और सिल्वर की कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। गाड़ी के आप साइड मिरर्स देखते हैं तो बॉडी कलर में मिलेंगे, टर्न सिग्नल्स मिलेंगे और रिट्रेक्टेबल और एडजस्टेबल की ऑप्शन दी जाएगी। इस तरफ देखते हैं तो जो कि डोर हैंडल्स है वो क्रोम में मिलेगा और साथ कीलेस की एंट्री की ऑप्शन मिलेगी, स्मार्ट कीलेस। इस तरफ आए तो इधर सुजुकी की जो कि ओल्ड ऑप्शन दी जाती है, यहाँ पर डोर हैंडल ब्लैक पे मिलते हैं प्लास्टिक टचअप में। अब गाड़ी की हम लोग आ जाते हैं बैक लुक की तरफ। रेयर लुक गाड़ी की आप देख सकते हैं सुजुकी की बैजिंग के साथ आती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, GLX और CVT की बैजिंग मिलती है, स्विफ्ट के साथ उधर ऑप्शन दी जाती है। रेयर वाइपर मिलेगा, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप और साथ डी फोकस की ऑप्शन दी जाती है। रेयर पार्किंग सेंसर्स इसमें दिए जाते हैं, पहले ही फीचर तो फैसिलिटी हमें अच्छी मिल गई जो कि रेयर पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में दिए जाते हैं। बाकी एक और इसमें चीज़ दी जाती है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें एग्जॉस्ट की ऑप्शन तो नहीं दी जाती, लेकिन ये हमें एग्जॉस्ट लगता है लेकिन एग्जॉस्ट की ऑप्शन नहीं दी जाती। एग्जॉस्ट जो गाड़ी का वो 1 ही मिलता है, यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी रेयर कैमरा गाड़ी में मिल जाते हैं। गाड़ी की जो कि ट्रंक है, अगर उसको ओपन करना चाहे यहाँ पे एक बटन मिलेगा, उससे इसका ट्रंक ओपन हो जाते हैं जो कि शॉक्स लगे होते, ऐसे घिरेगा नहीं। यहाँ पे देख सकते बूट स्पेस भी इसमें सही दी जाती, इसको बूट सेपरेटर मिल जाते हैं। गाड़ी के अगर हम लोग इसको बंद करना चाहे तो ऑटो बूट तो इसमें नहीं दी जाती, नॉर्मली बूट है इसके अंदर। आप चले अब इसको हम लोग बंद करते। अब हम लोग गाड़ी के इंटीरियर में आए तो इंटीरियर आप गाड़ी का देख सकते बिल्कुल ब्लैक की कॉम्बिनेशन में, इसका टू टोन इंटीरियर नहीं मिलता गाड़ी में। अगर आप डोर हैंडल्स देखते हैं तो लेदर की कोई टचअप नहीं, बिल्कुल प्लास्टिक की टचअप ही मिल रही है। वहाँ पे क्रोम के डोर हैंडल्स है, लॉक की ऑप्शन हो, यहाँ पे ऑटो विंडोज़ है जो कि सिंगल टैप वाली नहीं, सिर्फ 1 विंडो सिंगल टैप जो कि उधर ड्राइवर की होती है, और जो कि गाड़ी की सीट्स है वो लेदर की तो नहीं मिलती, नॉर्मली सीट्स मिलती जो कि एक फैब्रिक सीट्स कह सकते। अब हम लोग गाड़ी के फ्रंट की तरफ जाते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में आए तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं जो कि पहले स्विफ्ट थी उसमें कोई भी फीचर्स नहीं दिए जाते थे। इसमें स्टीयरिंग व्हील ही आप गाड़ी का देखें तो बहुत ही ज़्यादा फीचर्स के साथ आ जाते हैं। पहले स्टीयरिंग व्हील से पहले हम लोग अगर राइट साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें रेयर पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने की ऑप्शन, जो कि इसकी लाइट से उसके कंट्रोल्स और ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन दी जाती है। रेडार फीचर्स तो इसमें नहीं दिए जाते, लेकिन वाइल्ड वाइड में ये इन जगहों पर रेडार फीचर्स भी दिए जाते। इंजन पुश स्टार्ट टेक्नोलॉजी दी जाएगी। अगर आप डोर की तरफ देखते हैं तो डोर पे सेंट्रल लॉकिंग, 1 विंडो सिंगल टैप वाली, बाकी नॉर्मली ऑटो में मिल जाती है, और यहाँ पे रिट्रेक्टेबल साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो स्टीयरिंग व्हील भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर इन्होंने लेदर की टचअप दी हुई, बाकी ये कम्प्लीट लेदर स्टिचिंग है। यहाँ पर मोनोग्राम सुजुकी का
यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। बाकी इतने प्राइस की गाड़ी में मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। 6 एयरबैग्स, क्रूज़ कंट्रोल, मोड्स के कंट्रोल मिलते हैं जो कि एक स्पेशली ऑप्शन दी जाती है। स्पीडोमीटर देखते हैं तो 220 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर, आईपीएम मीटर, और बीच में आपको टीएफटी स्क्रीन मिलती है जो कि यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड स्क्रीन मिलती है जो कि एक बिगर साइज़ में मिलती है। रेयर कैमरा सिर्फ मिलेगा। बाकी इसमें क्लाइमेट कंट्रोल जो कि ऑटो है, सिंगल जोन ही है लेकिन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। सेंटर कंसोल पे नीचे आपको USB लाइटर मिलेगा जो कि एक पोर्ट है USB। बाकी इस तरफ देखें तो CVT ट्रांसमिशन है जो कि एक ऑटो में मिल जाते हैं। इस तरफ हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक तो अभी सुजुकी ने नहीं दी। गाड़ी के कुछ सेफ्टी फीचर्स की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी में हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि दूसरे वेरिएंट्स उसमें 6 नहीं, उसमें 4 मिलेंगे जो कि फुल ऑप्शन वेरिएंट होगा। उसके अंदर हमें GLX वेरिएंट में 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स भी दिए जाते हैं जो कि टोटली 6 हो जाते हैं। बाकी इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, ABS ब्रेक्स होती जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, और इस गाड़ी के अंदर एक और ब्रेक ऑप्शन दी जाती है जो EBD ब्रेक्स होती है। EBD ब्रेक्स ये होती है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी टायर में जितनी ब्रेक की ज़रूरत होगी टायर उतनी ब्रेक लगाएगा। अगर आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो एक टायर में ज़्यादा ब्रेक की नहीं ज़रूरत होती तो वो उस तरफ ब्रेक को खुद हैंडल करते हैं, और गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की ऑप्शन दी जाती है। बाकी इस गाड़ी में हमें सनरूफ तो नहीं मिलती, बस गाड़ी को हम लोग चलो स्टार्ट करके देख लेते हैं। अभी मैं ब्रेक को प्रेस किया है तो गाड़ी को हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट किया तो इसकी यहाँ पे मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो कि यहाँ से हम लोग एंड्रॉयड है तो इसको कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं। रेयर कैमरा भी गाड़ी का चलेगा कम्प्लीट, इसमें ऑप्शन वगैरह बता रहा होगा, बताएगा आपको। रेयर कैमरा गाड़ी का दिखा देते, गाड़ी का रेयर कैमरा देख सकते क्लियर ही है, इतना वो नहीं ब्लर टाइप का तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इधर ब्लर ऑप्शन आ रही है। लेकिन ग्रिल लाइंस भी इसमें नहीं दी गई कि मैं स्टीयरिंग को टाइन करता हूँ तो ग्रिल लाइंस नहीं इसमें दी जाती। बाकी आप गाड़ी का ओडोमीटर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेड की कॉम्बिनेशन आ रही है। बाकी IPM मीटर और 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीडोमीटर है, कम्प्लीट इसमें ऑप्शन देते हैं। अगर हम लोग मोड की तरफ जाते हैं तो मोड्स के कंट्रोल्स आ जाएंगे, और इस गाड़ी के अंदर मेन चीज़ यही है कि क्रूज़ कंट्रोल, और इसके अंदर हमें जो कि 6 एयरबैग्स है वो दिए जाते हैं। बाकी रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, इसको हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं, ये दो की इसमें कंट्रोल्स है। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है सुजुकी स्विफ्ट। अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो BR ऑटोमोबाइल पे आप ये वाली गाड़ी बाय कर सकते। गाड़ी की अगर आपको डिमांड बता दूं तो 37,50,000 गाड़ी की डिमांड है। 2022 मॉडल है, 4500 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये था आज का रिव्यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।